हाय गाइज, व्हाट्स अप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज़ के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाय, मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पे, प्रोडक्ट्स पे, मेरे पर्सनल व्लॉग पे एंड फैशन पे। वेल दोस्तों, अगर आप एक न्यू पेरेंट्स हैं एंड आप अपने बच्चों के लिए एक फूड फीडर ढूंढ रहे हैं, you know, आप अपने बच्चों को सेमी सॉलिड फूड खिलाना चाहते हैं या उनके 6 महीने गुजर चुके हैं, आप उनको यू नो सॉलिड फूड खिलाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं आपके साथ बात करूँगी लव फ्लैप ब्रांड के स्क्विजी बेबी फूड फीडर के बारे में, जिसको यूज किया जाता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फूड फीडर होता क्या है, किस तरीके से वो आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, उसमें कौन कौन से अटैचमेंट्स आते हैं, कौन कौन सा खाना आप बच्चों को फूड फीडर में खिला सकते हैं, किस तरीके से उसको क्लीन किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं एंड जानते हैं इन सारे ही सवालों का जवाब। सो दोस्तों, सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि फूड फीडर्स बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। वेल, मेरे हिसाब से फूड फीडर एक सबसे ज्यादा सेफ तरीका होता है एंड आसान तरीका होता है अगर आप अपने बच्चों को सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आया 6 महीने का हो गया था, इनफैक्ट 5.5 मंथ से ही हमने फूड फीडर में उसको दाल देना जो है वो शुरू कर दिया था। उसके वजह से हुआ क्या, बेसिकली हमारे लिए आसान हो गया आयांश को फीड कराना एंड साथ ही साथ आयांश का भी स्लोली एंड ग्रेजुअली टेस्ट जो है वो डेवलप होने लगा। साथ ही साथ अगर आपके बच्चों को टीथिंग हो रही है तो टीथिंग के टाइम पे भी आप फूड फीडर्स को यूज कर सकते हैं। बच्चे काफी सूदिंग फील करते हैं एंड इसको यूज करने से खाना इधर उधर गिरता नहीं है, गंदगी नहीं फैलती, बहुत आसानी से एंड साफ तरीके से आप अपने बच्चों को जो है वो खाना खिला सकते हैं। मतलब आप चाहें तो बच्चों को वेजिटेबल प्यूरीज दे सकते हैं, आप चाहें तो फ्रूट्स की प्यूरी दे सकते हैं, आप चाहें तो सेरेलैक्स दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हम दाल देते थे, या फिर आप चाहें तो बच्चों को मेडिसिन भी दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं लव फ्लैप ब्रांड के स्क्विजी बेबी फूड फीडर के बारे में, जिसको हमने हमारे बेटे आयांश के लिए यूज किया है। इसको आप 4 मंथ ऑनवर्ड्स ही अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। इसमें आपको 90 ml की कैपेसिटी मिलती है एंड जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस प्रोडक्ट का कि इसमें आपको एक डस्ट कवर मिलता है। डस्ट कवर से होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बच्चों को फीड करा रहे हो एंड इन बिटवीन आपको ब्रेक देना है, मतलब यू नो बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो आप स्पून को आसानी से कवर कर दीजिए। स्पून के लिए आपको यहाँ पे डस्ट कवर मिलता है तो ऑब्वियसली इसमें डस्ट नहीं जाएगा एंड हाइजीन यहाँ पे मेंटेन रहता है। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है वो एंटी लीकेज डिस्क के साथ आता है। इससे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको इसमें आसानी से लगा करके ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे होता क्या है अगर आप इसको उल्टा भी कर देंगे तो खाना जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं आता, बिल्कुल नहीं गिरता नहीं है, तो इससे कोई मेस नहीं होता एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी बन जाता है। ये एक सॉफ्ट सिलिकन फीडिंग बॉटल है जो कि स्पून के साथ आता है एंड जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा इस प्रोडक्ट का कि इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल हैसल नहीं है। आपको करना क्या होगा, बस हल्का सा स्क्वीज करना है, बहुत आसानी से जो है वो ये प्रोडक्ट स्क्वीज हो जाता है एंड खाना जो है वो स्पून में आसानी से आ जाएगा एंड आप बहुत आसानी से अपने बच्चों को जो है वो फीड करा सकते हैं। ये एक नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है एंड BPA फ्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिलिकन से बना है, सॉफ्ट सिलिकन से बना है, जो कि अगेन मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा। तो ये था इसके फीचर्स के बारे में। अब आइए जानते हैं कि इस प्रोडक्ट में हमें कौन कौन से अटैचमेंट्स मिलते हैं एंड किस तरीके से आप उस अटैचमेंट्स को अटैच या डिटैच कर सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट के साथ आपको मिलता है स्मार्ट डेस्क कवर, एक लीक प्रूफ डिस्क मिलता है एंड साथ ही साथ आपको मिलता है इनर डिस्क। यहाँ पे आपको मिलता है सिलिकन फीडिंग स्पून, इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, इस यहाँ पे होल है जिससे खाना जो है वो आसानी से बाहर आ जाता है एंड बॉटल रिंग मिलता है जिसको आप मेन बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं एंड आपको मिलता है सिलिकन बॉटल बॉडी मेजरिंग स्केल के साथ। इसको अटैच करने के लिए पहले यू इस तरीके से आप रिंग को बॉटल में अटैच कर दीजिए, हल्का सा ट्विस्ट कीजिएगा तभी वो अंदर जाएगा ठीक से। रिंग को अटैच करने के बाद आप डिस्क को यूँ इस तरीके से रिंग के ऊपर जो है वो लगा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्पून है उसको फिट करना है तो यूँ स्क्रू करते हुए आसानी से आप बॉटल में लगा दीजिए। उसके बाद आप डस्ट कवर को भी लगा दीजिए एंड ये हो गया हमारा बेबी फूड फीडर रेडी। इसको डिटैच करने के लिए आप सबसे पहले डस्ट कवर को यूँ इस तरीके से निकाल लीजिए, उसके बाद आप स्पून को निकालिए, उसके बाद आप डिस्क को अलग कर लीजिए। डिस्क को अलग करने के बाद आप रिंग को और मेन बॉडी को स्क्वीज करते हुए अलग कर लीजिए एंड इस तरीके से आप सारे पार्ट्स को डिटैच कर सकते हैं। तो ये था अटैचमेंट्स के बारे में। अब आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं एंड बहुत आसानी से अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले आप इसके अपर स्पून को यू इस तरीके से निकाल दीजिए, उसके बाद आप बच्चों के फीट को बहुत आसानी से इसमें फिल कर सकते हैं। वेल, मैं यहाँ पे आयांश के लिए सेरेलैक्स तैयार कर रही हूँ एंड स्पून की हेल्प के जरिए इसमें फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बच्चों के लिए फ्रूट
प्यूरीज डाल सकते हैं या फिर वेजिटेबल्स प्यूरी इसमें फिल कर सकते हैं, या फिर आप दाल कर सकते हैं या दलिया दे सकते हैं, या फिर आप सेरेलैक्स दे सकते हैं, या फिर आप दवाइयाँ भी दे सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ है, आई मीन बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डाल करके बच्चों को आसानी से फिल करा सकते हैं, फीड करा सकते हैं। तो फीड कराने के लिए सबसे पहले फिल करने के बाद हम यहाँ पे डिस्क को यूज़ करके इसको कवर कर देंगे रिंग पे डाल करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने इसका जो ऊपर का बॉडी है, आई मीन जो स्पून है, उसको यूज़ करके हम इसको वापस से स्क्रू कर देंगे। एंड ये हो गया हमारा फूड फीडर रेडी। अब बस हमें बच्चों को फीड कराना है। फीड कराने से पहले आप डस्ट कवर को जो है वो बाहर निकाल दीजिए। अब आप अपने बच्चों को आसानी से फीड करा पाएंगे। तो आइए मैं आपको आयांश को फीड करा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से बहुत आसानी से इसको यूज़ करके आप बच्चों को फीड करा सकते हैं। फीड कराने के टाइम पे आपको बस हल्का सा स्क्वीज करना है एंड खाना जो है वो बहुत आसानी से स्पून में आ जाता है एंड आप बहुत आसानी से बच्चों को यहाँ पे फीड करा सकते हैं। बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल भी फील करते हैं एंड ये काफ़ी सेफ ऑप्शन में से एक है। मैं आपको फूड फीडर्स जो है वो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। अगर आपके घर में बेबी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है एंड आपको डेफिनेटली एक फूड फीडर में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को जो है वो खाना खिला सकते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। वेल, इस प्रोडक्ट को क्लीन करना एंड स्टरलाइज करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को क्लीन कर सकते हैं एंड स्टरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हम सबको अलग कर लेंगे एंड लिक्विड क्लिनजर को यूज़ करते हुए हम इसके हर एक पार्ट को क्लीन करेंगे। बॉडी को करेंगे, डस्ट कवर को करेंगे, सिलिकन स्पून को करेंगे, रिंग को करेंगे, डेस्क को करेंगे, सारे ही पार्ट्स हम एक एक करके जो है वो कवर कर लेंगे। एक बार आप अच्छी तरीके से इसको लिक्विड क्लिनजर से वॉश कर ले, उसके बाद आपको रनिंग वाटर में एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक जो है वो वॉश करना है ताकि यू नो अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाए। यहाँ पे भी हम हर एक पार्ट को एक एक करके जो है वो रनिंग वाटर से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हमें इन पार्ट्स को स्टरलाइज करना है। तो आप स्टरलाइज, आप चाहें तो बॉइलिंग वाटर में भी इसको स्टरलाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं स्टरलाइजर का यूज़ कर रही हूँ। तो स्टरलाइजर को यूज़ करते हुए हर एक पार्ट को हम एक एक करके जो है वो अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर लेंगे। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लव लैब ब्रांड के स्क्वीजी बेबी फूड फीडर के बारे में, जिसको हमने हमारे बेटे आयांश के लिए यूज किया है। वेल, एंड में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों के लिए एक फूड फीडर ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन में से एक है। इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी हैसल नहीं है एंड साथ ही साथ ये बच्चों के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। इसको यूज करने से बच्चों को चोकिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसको क्लीन करना एंड स्टरलाइज करना भी बहुत ज्यादा आसान है। वेल, इस प्रोडक्ट का मुझे ओवरऑल क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आया एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना हो तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है, साथ ही साथ ही लव लैब के साइट पे अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियोज आपके लिए बनाते रहते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे अगेन हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो डालते रहते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों, मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूं और मैं मिलती हूं आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।